हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम करवाने जा रहे हैं भाई एक नई सीरीज, जैसे हमने स्टार्ट कर दी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो इसी सीरीज का आज हम करवाने वाले हैं यूनिट थर्ड का लास्ट चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल डिसीजन लीवरेज एनालाइज। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन, पढ़ेंगे लीवरेज एनालाइज, मतलब कि जो भी लीवरेज मेथड होते हैं ना, पहले वो सारे देखेंगे और क्या क्या एनालाइज करना है, इसमें क्या मेथड है, क्या फॉर्मूले हैं, वो सारी चीजें हम करवाने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो जो सीरीज बन रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो ये एसएल ड्यू रेगुलर एनसीएफ सब बच्चों के लिए बन रही है भाई, और जो भी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज बनाई जा रही है। दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम है, तो इस सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नोट्स तैयार हो चुके हैं। अगर जिनको भी नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये दे रखा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, या आप मैसेज करिए कि आपको नोट्स बाय करने, और आप इजिली मिनिमम अमाउंट दे के भाई नोट्स को परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में नोट्स बन चुके हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं मिलेंगे भाई, तो इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले वीडियो से कर सकते हैं बाकी एडजस्ट, ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 है हमारा, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। पहले हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, हमने ईबीटी एनालाइज करा था, मतलब कि अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि उसमें हमने कैपिटल स्ट्रक्चर भी मैनेज करना सीखा था। अब हम सीखेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। अब आपको ये सीखना है कि पैसे जब लगाते हो ना, तो पैसे कैसे कैसे लगाते हैं। बिजनेस के अंदर आप पैसे अगर लगा रहे हो तो आपके लिए बेटर सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है भाई पैसे लगाने के लिए। अगर कोई गलत जगह पैसे लगा दिए तो बिजनेस भी डूबेगा, पैसे भी जाएंगे, तो ये चीजें मैं एनालाइज करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लीवरेज एनालाइज। तो लीवरेज क्या होते हैं पहले आप समझो, लीवरेज एनालाइज क्या होते हैं। लीवरेज मतलब होता है वो सोर्स जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आपको रेट ऑफ रिटर्न भी पे देना पड़ता है, लेना पड़ता है, और इसी के रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग ही आप अपने पैसे किसी भी जगह इन्वेस्ट करते हो, वो लीवरेज एनालाइज कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें आपको नॉर्मल एक रेट देना पड़ता है, चाहे पे करते टाइम चाहे आपको लेते टाइम, ठीक है, अगर इंटरेस्ट मिलता है या देना पड़ता है तो वो लीवरेज कहलाता है सारा। तो लीवरेज में कुछ टाइप्स होते हैं, तो हम वो टाइप्स डिस्कस करने वाले। तो मेनली यहाँ पे आपकी बुक में इस चैप्टर के अंदर तीन चार टाइप्स दिए थे, तो मैंने वो चारों आपके सामने लिख दिए। पहला हम पढ़ेंगे लीवरेज क्या है, फिर हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑपरेटिंग के, फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लीवरेज, फिर हम पढ़ेंगे कंबाइंड लीवरेज। तो बेसिकली हम तीन लीवरेज पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद आपका चैप्टर जो है लीवरेज एनालाइज का कंप्लीट होता है। तो लीवरेज का मीनिंग मैंने अभी आपको समझाया अपनी भाषा में, अब आपको डेफिनेशन बताता हूँ। लीवरेज कहता है रिफर्स टू द स्ट्रेटजी यूज टू बोरोड फंड और डेब्ट्स। क्या रहा है, लीवरेज रिफर्स टू द स्ट्रेटजिक यूज, एक स्ट्रेटजिक यूज मतलब कि एक इस तरह का यूज कैसे करा जाए पैसे का, कि पैसे जो है वो सही तरीके से मैनेज हो जाए। क्या रहा है, यूज टू बोरोड फंड और डेब्ट्स, जो भी आप पैसे बोरो कर रहे हो, किसी से उधार ले रहे हो, वो पैसे या वो फंड या वो डिबेंचर्स, जो भी चीज़ आप पैसे की फॉर्म में भी ले रहे हो या पैसे ले रहे हो, तो उनका एक बेटर ऑप्टिमम यूज आपको बताना है। टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न, पैसों का ऐसा इस्तेमाल करा जाना चाहिए कि जिससे आपका एक पोटेंशियल रिवेन्यू, जो पोटेंशियल रिटर्न है वो जनरेट हो आपका, ठीक है। आप पोटेंशियल रिटर्न क्या होता है, तो देखो अब रिटर्न ये होता है कि अगर मैं बैंक में 1,00,000 रुपये जमा कराऊँ, किसमें जमा कराऊँ भैया, बैंक में 1,00,000 रुपये जमा करा दिए, तो बैंक में 1,00,000 रुपये अगर मैं जमा कराऊँ भाई, या मैं किसी गड्ढे में डाल दूँ, बांध के उसको गाड़ दूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट किस में मिलेगा, बैंक में मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं 1,00,000 रुपये बैंक में जमा कराता हूँ तो हर महीने मुझे 1% भी इंटरेस्ट मिला, हर महीने मुझे 1% इंटरेस्ट, इतना तो वैसे मिलेगा नहीं, 1,000 रुपये अगर मिल जाता है मान लो, ठीक है आपको, तो आपके 6 महीने बाद वो रुपए 1,06,000 हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे ना 1,06,000 रुपये हो जाएंगे। अगर 6 महीने बाद आप निकालते हो, हर महीने 1,000 का इंटरेस्ट मिलेगा फंड पे, आपके पैसों पे, तो पैसे बढ़ी तो रहे हैं, फायदा हो रहा है। तो पैसों का ऑप्टिमम यूज करना, जिसपे आपका पोटेंशियल रिटर्न, ये रिटर्न होता है हमारा इंटरेस्ट जो है, ये हमारे लिए क्या है, एक रिटर्न है, एक पैसा है जो आ रहा है, ठीक है। तो यही रिटर्न आपका बढ़े, आगे लिखा है एन ऑन इन्वेस्टमेंट, किसके ऊपर भाई, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। आगे लिखा है
इट इन्वॉल्व्स यूजिंग ए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल. कह रहा है इट इन्वॉल्विंग यूजिंग ए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल. छोटी छोटी अमाउंट ऑफ कैपिटल भी आप फंडिंग में जमा करा सकते हो, उनके ऊपर भी आपको लिवरेज मिलता रहेगा, आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा. कह रहा है उसके बाद कंट्रोल एंड ए लॉन्गर असेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. और इसी के कारण आप हो सकता है अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को भी लिवरेज कराने की सोचो. तो जो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, लॉन्गर असेट सोच रहे हो, लॉन्गर असेट कौन सी? लॉन्गर असेट्स वो असेट्स होती हैं जो करंट नहीं होती, नॉन करंट होती है. अब नॉन करंट जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता तो ये ऐसी असेट्स हैं जो मोर देन वन ईयर चलती है. भाई कितनी? मोर देन वन ईयर, एक साल से ज्यादा जो असेट्स चलती हैं उनको नॉन करंट असेट्स कहा जाता है. ठीक है, ऐसी असेट्स जो लंबे टाइम तक चलने वाली है लॉन्गर असेट्स कहा जाता है या इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. ठीक, तो लिवरेज में आपने क्या समझा? लिवरेज में ये समझा ये एक ऑप्टिमम यूज सोर्स ऑफ फंड है कि किस तरह से फंड्स को, डिबेंचर्स को, इन्वेस्टमेंट को, पैसों को या लॉन्गर असेट्स को ऑप्टिमम यूज के दौरान, मतलब ऑप्टिमम यूज इसका करा जा सके, अपने पैसों को अच्छे से डील करा जा सके. ठीक है, लीवरेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला ये मेंशन करा मैंने, फॉर्मूले जितने भी है मैंने हर एक के नीचे मेंशन करा है. बुक में कोई क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन यूनिट सोल्ड, परसेंटेज चेंज इन यूनिट सोल्ड, आगे लिखा परसेंटेज चेंज इन सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. मतलब कि परसेंटेज चेंज नहीं समझ आया भैया, परसेंटेज चेंज समझाओ. परसेंटेज चेंज मतलब होता है 100 रुपए की कोई चीज है, अगर मैं उसको 150 रुपए में बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 100 रुपए की चीज 150 में बेची तो मेरे को 100 में से 150, अगर मैं 150 में से 100 माइनस कर दूं तो कितना देगा? 50 रुपए आ गया. तो 50 रुपए का प्रॉफिट है, 100 का आधा है. तो प्रॉफिट अगर मैं मान लो 100 को बोलता हूँ 100%, तो प्रॉफिट जो चेंज आया है वो कितना है? 50% का. 50% मेरी जो वैल्यू है बढ़ के मैंने बेचा है, बढ़ा के बेचा है. तो परसेंटेज चेंज इन यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड करने में जो परसेंटेज चेंज है मतलब 50, तो यहाँ आएगा 50%. नीचे चेंज इन सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, जो अभी सेल प्रमोशन किया है उसमें जो खर्चा किया है, एक्सपेंस जो है उस एक्सपेंस का है परसेंटेज चेंज. सेम इसी तरह से जो भी आपने खर्चा कर रहे हो उसका परसेंटेज चेंज नीचे आएगा, ऊपर आएगा आपको सेल यूनिट, और आपको डिवाइड करना है, आपका फॉर्मूला हो जाएगा लिवरेज का. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है. भाई ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज है, इट इज ए मेजर हाउ ए कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट सच एज. कह रहा है कि एक कंपनी जो है अपने जो फिक्स्ड कॉस्ट्स होती हैं, कौन कौन सी होती है फिक्स्ड कॉस्ट? तो इसमें आ सकता है रेंट, मैं सर्कल कर रहा हूँ, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, जो फिक्स्ड रहती है, ऐसे खर्चे जो हमें पता है आने ही आने हैं. जैसे कि इनकम हो गया, एक बिजनेस है, अगर मैं एक बिजनेस ओपन करता हूँ तो बिजनेस के अंदर भाई कौन कौन से फिक्स्ड खर्चे मेरे होंगे वो बताओ जरा. अगर मैंने शोरूम खोला, शोरूम में मेरे लहंगों का, लहंगे बेच रहा हूँ मैं शोरूम में, क्या बेच रहा हूँ? लहंगे. तो लहंगे अगर मैं बेच रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या फिक्स्ड आएगा? मेरे को सैलरी हमेशा देनी है, सैलरी फिक्स्ड रहेगी ना. अगर मान लो बिजनेस में इनकम हो या ना हो, मैंने जो बंदे हायर कर रखे पैसा तो देना ही पड़ेगा, बिना पैसे के कोई नहीं आएगा. तो सैलरी जो है ये हमारी क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी. अच्छा रेंट क्या रहेगा? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्लोर बिल, बिजली का रेंट, और जो फ्लोर मैंने लिया हुआ है जहां पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, कमरा, रूम, वो रूम का रेंट क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा. अगर मान लो पहले साल कमाई हुई 2 लाख रुपए रेंट दे दिया, दूसरे साल कमाई नहीं हुई, तो क्या वो 50,000 में मान जाएगा? नहीं मानेगा भाई, आप उसकी असेट का पूरा यूज कर रहे हो ना, फ्लोर का तो पूरा यूज कर रहे हो, आधे में तो सामान नहीं रखा ना, बेचा के बिक्री नहीं हुई हो, उसका फ्लोर तो पूरा गया है, तो रेंट पूरा जाएगा. साथ ही साथ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है हमेशा, डेप, तो डेप्रिसिएशन कैसे फिक्स्ड है भैया ये बताओ. आप कोई भी मशीन यूज कर रहे हो, आप मशीन यूज कर रहे हो, मशीन में खराबियां आएंगी, जलेंगी, टूटेंगी, फूटेंगी, पुरानी होएंगी. तो जब ये सब चीजें आ रही हैं तो मशीन की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होती है, घट जाएगी. आपकी मशीन की कॉस्ट क्या होगी?
मतलब गिरेगी, बढ़ेगी नहीं उसमें। तो ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग लीवरेज में वो सारी चीजें जो फिक्स्ड रहती हैं अफेक्ट इट ऑल प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं वो चीजें, सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं, तो उनको लीवरेज, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लीवरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। इट एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल और रिवेन्यू। ये क्या कर रहा है? एग्जामिन करता है, एग्जामिन क्या करता है, हमारी सेल को और हमारे रिवेन्यू को, कि हमारी प्रॉफिट में कितना खर्चा आ रहा है, कितनी चीजें हम बेच रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी, डेप्रिसिएशन, रेंट, इसमें कितना खर्चा जा रहा है वो, और सेल कितनी हो रही है, प्रॉफिट आ कितना रहा है, वो दोनों का दोनों काम एग्जामिन करता है, ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। ऑन ए कंपनी अर्निंग बिफोर टैक्स, और ये कब एग्जामिन करता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बात क्लियर है? ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जामिन करने का काम करता है आपका सेल्स और रिवेन्यू। कब एग्जामिन करता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। आपने कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आपने कोई लाइबिलिटी नहीं पे करी है, पे करने से पहले आप ये सारी चीजें देखोगे। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स लगने से पहले जो चेंज था 70% था या 80% था वो, ठीक है। नीचे चेंज इन सेल्स रिवेन्यू, सेल्स रिवेन्यू में क्या चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू। सेल मान लो अभी 70 थी, कल 80 हो गई, तो जो परसेंटेज चेंज आया है ना 70 से 80 हुई है, तो पहले से अभी कितने प्रतिशत चेंज आया, वो परसेंटेज चेंज आपको नीचे लिखना है और डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। हाँ भाई, तो सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? सिग्निफिकेंस मतलब होता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज का ऑप्टिमम यूज कहाँ कहाँ होता है। सिग्निफिकेंस कहलाता है, नेचर कहलाता है, करेक्टर स्केच कहलाता है। तो पहला आता है प्रॉफिट सेंसिटिविटी। आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कभी भी बढ़ जाते हैं, कभी भी घट जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपके फंड्स की वजह से, आपके डिबेंचर्स की वजह से, जो आपने डिबेंचर्स फंड्स वगैरह ले रखे हैं, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट सेंसिटिव होता है, बढ़ता है, कम होता है, इसको बोलते हैं क्या? प्रॉफिट सेंसिटिविटी, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट हर एक बिजनेस में होता है, और हर एक बिजनेस में जहां पैसा लगेगा, जहां पर भी पैसों की बात होगी, मनी अगर आई, तो मनी के साथ साथ आपको क्या आएगा? आपको आएगा प्रॉफिट, और मनी के साथ क्या आता है? रिस्क आता है। रिस्क तो आएगा, पैसा डूबने के भी चांस होते हैं, पैसा निखरने के भी चांस होते हैं। थर्ड आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एक कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बताऊं तो ऐसा, और अगर मैं फाइनेंशियल की भाषा में बताऊं तो फाइनेंशियल की भाषा में आपका टोटल जो रिवेन्यू है TR, वो बराबर होना चाहिए टोटल एक्सपेंसेस के, खर्चे जो कर रहे हो, खर्चा और पैसा जो है, इनकम जो है, टोटल इनकम और टोटल रिवेन्यू बराबर चले, आपका बैलेंस में चलना चाहिए। अगर आपका टोटल रिवेन्यू कम है और रिवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो आपका बिजनेस जो है वो क्या करेगा? डूब जाएगा, मतलब कि अनग्रो होगा। क्या होगा भाई? अनग्रो, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। लीवरेज हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना सिखाता है कि आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो आपको लीवरेज मेथड एनालाइज करके पता चलता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। फिर आता है इन्वेस्टर परसेप्शन। ऐसे इन्वेस्टर जो सोच रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करने का आपके बिजनेस में, तो उसको इन्वेस्टर परसेप्शन भी बोलते हैं। और एक वर्ड और यूज किया जाता है इन लोगों के लिए, वो है पोटेंशियल इन्वेस्टर। क्या? पोटेंशियल इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर जो पैसा लगाने की सोच रहे हैं, अभी वो लगाना चाहते हैं पैसा, ठीक है, जब पैसा लगाने की सोचते हैं, इन्वेस्टर परसेप्शन, ठीक है। आपका बिजनेस जब ग्रो होगा, आपका जो फंड्स है वो रेस करेगा, आपका शेयर होल्डर्स रेस करेगा, मार्केट में पैसा अच्छा आएगा, तो आपके जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है या इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपने आप ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? तो फाइनेंशियल लीवरेज होता है, इट रिलेट टू यूज ऑफ डेब्ट एंड अदर फिक्स्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है इट रिलेट टू यूज डेब्ट्स एंड अदर
फिक्स्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। भाई फिक्स्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स कर रखी है हमने, जैसे कि सिक्योरिटी लॉकर में हमने गोल्ड रखवा रखा है बैंक में, ठीक है। डिबेंचर्स हैं, आपका डिबेंचर्स हो गया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई, कोई भी पैसा फिक्स्ड जो करा रखा है। ड्रॉइंग है, रिजर्व है, आपने किसी से बोरो कर रखा है माल, आपने लोन ले रखा है, सिक्योरिटी में पैसे दिए हैं, तो ये सारी फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखता है, ठीक है। यूज जब आप करते हो, मैग्नीफाई रिटर्न ऑन इक्विटी, और देखता क्या है कि आपका जो रिटर्न है, इक्विटी जो है आपकी, वो बढ़नी चाहिए, कैश बढ़ना चाहिए बिजनेस में। कैश नहीं बढ़ेगा तो बिजनेस कैसे रन करेगा? बिजनेस तो डट जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें फाइनेंशियल लिवरेज मैनेज करके देता है। यूज ऑफ डेट अफेक्ट ए कंपनी नेट इनकम। जब आप अपना डेट का यूज करते हो, डिबेंचर यूज करते हो, तो डिबेंचर जो है हमेशा कंपनी की नेट इनकम को और रिटर्न ऑन इक्विटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। आपका डिबेंचर जो है वो क्या करता है? आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी और आपकी नेट इनकम जो है, नेट इनकम जो है इसको, तो भाई इसको इफेक्ट करने का काम कौन करता है? डिबेंचर्स करता है, ठीक है। समझ आ गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या आते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, आपको क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे है? फॉर्मूला ऐसे है कि जब आप फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम पे आप अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स लोगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था पीछे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज में, यहाँ पे मैंने बताया था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लोगे। टैक्स या इंटरेस्ट लगने के बाद की अमाउंट हमें नहीं चाहिए, हमें पहले वाली चाहिए। अपॉन में ईबीआईटी माइनस फाइनेंशियल चार्जेस, क्या बोला मैंने? ईबीआईटी माइनस फाइनेंशियल चार्जेस, जो फाइनेंशियल चार्जेस गए हैं वो माइनस करना है। देखो फाइनेंशियल चार्जेस को पीबीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीबीटी, प्रोविडेंट टैक्सेस, ठीक है एक तरह से। तो पीबीटी जो है वो फाइनेंशियल चार्जेस ही होता है। कभी कभी एग्जामिनर फाइनेंशियल चार्जेस आपको डायरेक्ट नाम से दे देगा, और हो सकता है कभी कभी वो आपको पीबीटी नाम से दे दे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो आंसर क्या निकालोगे? ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस पीबीटी, ठीक है भाई, क्लियर है फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज जो होता है ये फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग दोनों का मिक्स लिवरेज होता है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से लेता है, कुछ यहाँ से एनालाइज करता है, दोनों को मिला के एक माइंड लिवरेज बनाया गया है। कह रहा है इट टेक्स बोथ अकाउंट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। ये जो है एक तरह से फाइनेंशियल लिवरेज को और हमारे ऑपरेटिंग लिवरेज को दोनों को ही एक साथ लेके चलता है, ठीक है। कंबाइंड है ना, तो कंबाइंड का मतलब कंबाइंड कब होता है? जब दो चीजें मिलती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसी दो चीजों को जुड़ने को हम बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। कह रहा है इट एग्जामिन इन, ये एग्जामिन क्या करता है? इट एग्जामिन इन हाउ चेंज इन सेल इंपैक्ट, हाउ चेंज इन सेल इंपैक्ट ऑफ ए कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस और नेट इनकम। कह रहा है कि ये एग्जामिन करता है कि जो नेट इनकम है, जो चेंजेस है, सेल में आने वाले उतार चढ़ाव है, वो अगर इंटरेस्ट की वजह से या एक्सपेंस खर्चों की वजह से या आपकी नेट इनकम टोटल इनकम की वजह से आ रहे हैं, तो वो एग्जामिन करने का काम कौन करता है? कंबाइंड इनकम या कंबाइंड लिवरेज, ठीक है भाई, क्लियर है। इसका फॉर्मूला होता है कंबाइंड, आपका फॉर्मूला निकालने का दो फॉर्मूले हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज। आपको मैंने बताया था कंबाइंड है, तो ऑपरेटिंग में होने वाले खर्चे प्लस फाइनेंशियल में होने वाले खर्चे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा क्या? कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, आपको मान लो ये दोनों ही नहीं दिया, आपको किसी अलग नाम से दिया, एन नंबर ऑफ नाम से दे सकता है एग्जामिनर, तो आपको उसने दिया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, आपको ईपीएस दे दिया। अब आप बोलोगे ईपीएस का क्या काम है भैया? ईपीएस का काम यही है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब होता है भाई, लिख लो, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, ठीक है। तो जो अर्निंग पर शेयर है, एक शेयर पे जो पैसा आया है उसी का परसेंटेज चेंज, आपका अर्निंग पर शेयर परसेंटेज चेंज डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, जो परसेंटेज चेंज सेल्स में आया है उस परसेंटेज चेंज से डिवाइड करना है अर्निंग पर शेयर को। कंबाइंड लिवरेज आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहला मेथड ये, दूसरा मेथड ये, दोनों मेथड हो गए कंप्लीट, ठीक है भाई। तो आपका चैप्टर है फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो यही पे कंप्लीट होता है, इससे ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, बस इतना सा था। अब आप इसको एक बार नोट कर लो।
स्क्रीनशॉट वगैरह जिसको जो लेना है आपने ले लिया होगा, स्किप करके थोड़ा सा पीछे चले जाओ 10 सेकंड, जाके दोबारा से ले लो अगर आपने मिस कर दिया। और वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो आने वाला है हमारा चैप्टर नंबर इसके बाद 9 आने वाला है, जिसमें हम यूनिट 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 हमारी एंड हो चुकी है, यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगी चैप्टर 9 से। और मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अगर किसी को नोट्स वगैरह बाय करने तो नोट्स रेडी हो चुके हैं, फुल फ्लेज नोट्स है, सारी चीज़ एक्सप्लेनेशन है, कुछ ढूंढना नहीं है, सीधा उठाओ पढ़ो एग्जाम दो बस स्कोरिंग करो। तो ये नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हो, कोई डिस्काउंट नहीं है, नोट्स मिनिमम अमाउंट पे आपको मिल जाएंगे, आप इजीली बाय कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करना इस नंबर पे या कॉल कर लेना, कॉल ज़्यादा मत करना, उठ नहीं पाती, पिक नहीं कर पाते, कभी कभार बिजी होते हैं, तो आप मैसेज करना, मैसेज हमेशा ऑन टाइम आपको पिक मिलेगा। ठीक है, तो मैसेज करके नोट्स बाय कर सकते हो। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये उतार लेना। और जल्दी एक सीरीज को लेके आने वाले हैं, इसके बाद नई सीरीज भी चालू करेंगे, आपके एग्जाम तक ये भी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पहले आप इसको उतारो और वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, उनकी भी हेल्प हो सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को बुक्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मैं सीरीज बना रहा हूँ, ताकि उन्हीं तक नहीं पहुंचेगी तो मोटिव ही क्या रह जाएगा। ठीक है, तो उन तक जरूर पहुंचाना, ग्रुप्स वगैरह भी शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।